Hi guys, welcome to my channel. So guys, in today's video, I'll be sharing with you all some points जिसको follow करके आप cabin crew बन सकते हो. You can become a cabin crew by following all the points that I'll be telling you all in this video. So yeah guys, make sure you watch the video till the end. And before starting the video, I would like to request you all that अगर आपको मेरे videos अच्छे लगते हैं so please go ahead and subscribe to my channel. Also guys, please share this video with your friends and family who really want to become a cabin crew. तो उनकी भी एक help हो जाएगी. And आप please guys मुझे Instagram पे follow करो. अगर आपको कोई भी doubts है तो वहाँ पर मुझे text करो. This is my ID. And yeah, follow करो वहाँ पर. And without wasting any time, let's just roll the intro. सो गाइज, अब मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ें बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिसे फॉलो करके आपको एक हेल्प मिलेगी टू बिकम अ कैबिन क्रू. सो सबसे पहली पॉइंट उसमें ये है दैट फॉलो एविएशन जॉब एंड एयरलाइन पेजेस ऑन योर सोशल मीडिया टू गेट रेगुलर जॉब अपडेट्स. तो सबसे पहले तो आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे वैकेंसी है, कौन सी एयरलाइन हायर कर रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये जानने के लिए आप और जो भी इंस्टाग्राम पे जॉब एविएशन जॉब पेजेस है, यूट्यूब पे जो भी चैनल्स है एविएशन से रिलेटेड, आप उन्हें सब्सक्राइब करके रखो, इंस्टा पे फॉलो करके रखो एंड उनके नोटिफिकेशंस ऑन करके रखो, सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर देयर इज़ अ न्यू जॉब अपडेट. अगर कोई भी जॉब वैकेंसी है तो आप सबसे अगर नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे तो वो आपको हेल्प करेगा सबसे पहले अप्लाई करने में. सो गाइज, ये सब हम जो बोलते रहते हैं, कंटेंट जो बनाते हैं वैसे बोलते रहते हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड आपको नोटिफिकेशन ऑन करो, हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं. हम आपके लिए बोलते हैं कि आपको अपडेट्स मिले न्यू जॉब वैकेंसी की. अगर कोई हो तो नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आपको अपडेट मिलती रहेगी. सो सबसे पहला पॉइंट ये था. सेकेंड पॉइंट इज़ रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली एंड मेक श्योर यू मीट द रिक्वायरमेंट्स बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोजिशन. सो सबसे पहले तो आपको जॉब जब पता चल जाएगी तो आप जैसे जॉब को ओपन करोगे तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, जो रिक्वायरमेंट्स रहेगी फॉर द जॉब, रीड दैट केयरफुली. अगर आप रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हो तो ही गो अहेड एंड अप्लाई, नहीं तो अगर आप रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहे हो, आप अप्लाई करोगे तो फिर आगे जाके आपको एनीवे अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे. तो अगर आप रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हो तो ही आप अप्लाई करो. द थर्ड पॉइंट इज़ यू नीड टू मैंडेटरी अप्लाई ऑनलाइन, चाहे वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए हो, चाहे वो इन्विटेशन इंटरव्यू हो, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना मैंडेटरी है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ If it's a walk-in interview, then go directly at the mentioned location and if it's an invitation, then wait for the company's report. तो अगर आपको जो जॉब वैकेंसी है, जैसे कि कैबिन क्रू की अभी इंडिगो एयरलाइंस की जो वैकेंसीज चल रही है वो वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो अगर वॉक इन इंटरव्यू है तो आप अप्लाई करो ऑनलाइन एंड डायरेक्टली जाओ इंटरव्यू के लिए. जो डेट मैंशनड है, जो लोकेशन मैंशनड है, तो आप अगर वहाँ पे रहते हो या जा सकते हो तो आप डायरेक्टली जाओ. हाँ, बट अगर जैसे कतार एयरवेज है और दूसरी एयरलाइंस है तो वो इनविटेशन से बुलाती है, तो अगर वैसा कुछ है तो यू अप्लाई एंड देन वेट फॉर द कंपनीज रिवर्ट. आपको इनविटेशन मेल आएगा, उसमें सारी डिटेल्स रहेगी, तो ही आप जा सकते हो, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो. सो गाइज, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीप अ फ्रीक्वेंट चेक ऑन योर मेल. तो आप अगर आपने अप्लाई किया है इनविटेशन के लिए, इनविटेशन वाले इंटरव्यू के लिए, तो कीप अ फ्रीक्वेंट चेक ऑन योर ईमेल, बिकॉज आपको कंपनी कभी भी मेल कर सकती है. सो या आप ईमेल चेक करने की आदत हर दिन रखो, दिन में 2-3 बार तो चेक करो ही. सो या कीप अ फ्रीक्वेंट चेक ऑन योर ईमेल. सो इनविटेशन इंटरव्यू की बात है, वंस यू रिसीव द ईमेल फॉलो ऑल द रूल्स एंड गो फॉर द इंटरव्यू. तो आपको जैसे ही ईमेल आएगा इनविटेशन का, तो आप जो भी लिखा है आप उसे फॉलो करो, जो भी वेन्यू दिया है, जो भी ड्रेस कोड है, सारे फॉलो करो एंड जाओ इंटरव्यू पे. बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू. तो आपको बहुत अच्छी तरह से प्रेपरेशन करनी है फॉर द इंटरव्यू. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रूम योर सेल्फ परफेक्टली एंड कैरी ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. तो आपको अच्छे से ग्रूमिंग करना है एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगाए हैं आपको वो लोग बता देंगे मेल में, वो साथ में कैरी करना है इंटरव्यू पे जाने के टाइम.
रीच द लोकेशन बिफोर टाइम इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट हासिल। तो आपको लोकेशन पे बिफोर टाइम पहुंचना है इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट की जो हासिल रहती है उसे अवॉइड करने के लिए आपको लोकेशन पे जल्दी पहुंचना है एटलीस्ट 30 to 45 minutes प्रायर, ताकि आप मेकअप रिप्लेनिश कर पाओ, थोड़ा प्रिपेयर कर पाओ, लोगों से बात कर पाओ। सो या द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक टू दी अदर कैंडिडेट्स पोलाइटली। तो वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबसे पोलाइटली बात करो। वहाँ पे अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है तो उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछो, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिले। तो या गाइस, टॉक टू अदर कैंडिडेट्स पोलाइटली। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रीट द इंटरव्यूअर एंड आंसर ओनली द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर। तो सबसे पहले तो आपको इंटरव्यूअर को ग्रीट करना है एंड वो ही आंसर देना है जिस जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खुद का नहीं डालना है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं डालने हैं, कट टू कट वही आंसर देना है जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इवन इफ यू डोंट फील कॉन्फिडेंट जस्ट प्रिटेंड टू बी एंड डोंट शो इट ऑन योर फेस। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नर्वसनेस होती है इंटरव्यूज़ में, बट आपको अगर कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा है, नर्वस फील हो रहा है, प्लीज़ गाइज डोंट शो इट ऑन योर फेस। प्रिटेंड करो कि आप कॉन्फिडेंट हो, बट डोंट शो इट ऑन योर फेस, नहीं तो आप पूरा इंप्रेशन ख़राब कर दोगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज कीप स्माइलिंग थ्रू आउट द डे। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू कीप स्माइलिंग थ्रू आउट द डे। हर टाइम आपके फेस पे एक स्माइली होनी चाहिए, बिकॉज द HRs विल नोटिस यू एट एवरी पॉइंट। कभी भी वो लोग आपको नोटिस कर सकते हैं। सो मेक श्योर आपके फेस पे गुस्सा एंड ऑल इरिटेशन ना दिखे, आपके फेस पे हमेशा स्माइल ही होनी चाहिए। सो या गाइस, द लास्ट पॉइंट इज़ वंस यू क्रैक ऑल द राउंड्स, अगर आपने क्रैक कर लिया है तो आपको मेडिकल्स के लिए भेजेंगे एंड अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएगी उसके बाद वॉइल आई यू गेट योर ऑफर लेटर। ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको बैच मिलेगा, आपका बैच आपको ज्वाइन करना है। गेट ट्रेंड, स्टडी हार्ड एंड देन गेट ग्रेजुएटेड, गेट योर विंग्स टू फ्लाई एंड स्टार्ट फ्लाइंग ऑन बोर्ड। सो या गाइज, दीज वर द पॉइंट्स दैट माइट हेल्प यू टू बिकम अ कैबिन क्रू, टू क्रैक अ कैबिन क्रू इंटरव्यू ईजिली। सो अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखोगे तो आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे ईजिली। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ येस, देन डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो गाइज, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई आई डी समवेयर ओवर हियर। एंड या ऑल द बेस्ट टू एवरी वन हु आर प्लानिंग टू अटेंड द इंटरव्यू। अच्छे से करना एंड जरा भी डरना मत, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। एंड या आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।